गुड मॉर्निंग एवरी वन, दिस इज़ मी नीतू और आप सब देख रहे हो रॉबी नीतू ब्लॉग्स। तो आज है संडे और आज हर्षित की छुट्टी है, स्कूल नहीं गया क्योंकि संडे है। और आप सबको याद है कि है ना, एक थोड़े दिन पहले है ना बुआ जी आई थी और उन्होंने ना भात नोत के गई थी शादी के लिए। हमें बोली थी शादी में जाएंगे। तो कल हम लोग जाएंगे, तो मैं जो हूँ सारी तैयारी वगैरह करने में लगी हुई हूँ। पूरा घर जो है वो बिखरा हुआ पड़ा है, सुबह से बस मैं यही सब करने में लगी हुई हूँ। अभी बस मैंने नाश्ता वगैरह बनाया है। हाँ, क्या कर रही है? कुछ नहीं बेटा, ये लगाइए देख, इसके बिना तो मेरा होगा। तो अभी बस मैंने नाश्ता वगैरह बनाया है। ये जो है नाश्ता करते करते अभी नीचे चले गए हैं और मैंने नाक में ये वाली लौंग पहन ली है। और अभी बाकी सारी जो तैयारी वगैरह है वो चल ही रही है। सही बताऊँ तो अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, कपड़े सूख गए, वो यूं ही पड़े। रूम की भी हालत दिखाई देती हूँ। तो यहाँ पर ये सूट केस रखा हुआ है और ये कपड़े वगैरह निकले हुए हैं सारे। और यहाँ पर ये बेडशीट वगैरह भी उठ के गए हैं। ये सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ पड़ा है। मैं सुबह से बस यही सेलेक्ट करने में लग रही थी कि मैं कौन सी साड़ी लेकर जाऊँ, कौन सी साड़ी पहनूँ, कब पहनूँ, कौन सी साड़ी कब पहनूँ। और मतलब इतना कन्फ्यूजन रहता है, ये वाली चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है कि ये ना कब कौन सी साड़ी पहननी है। एक तो ये ना मेरी बिल्कुल हेल्प नहीं करते हैं कि ये ना कौन सी साड़ी कब पहननी है बता दें। तो एक ये रहता है ना कि हाँ बता दिया, एक वो मिल जाता है, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ इनने बोला है कि ये वाली अच्छी है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन सी ले जा रही हूँ, कौन सी रखी है मैंने साड़ियाँ, किस हिसाब से रखी हैं। तो आज मैं जो हूँ कटहल बनाने वाली हूँ। कटहल के लिए मैंने यहाँ प्याज काट लिया है और साथ ही मैं जो कटहल है उसे मैं कट कर रही हूँ। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से सब्जी छोक देती हूँ क्योंकि मुझे किचन का काम समेट लूँ मैं एक बार, क्योंकि हर्षित कभी भी भूख भूख करने लगेगा तो फिर बीच में मेरा काम डिस्टर्ब करेगा ये। अभी बस मैंने साड़ियाँ सेलेक्ट कर ली है, कौन सी साड़ियाँ ले जानी है और साड़ियाँ सेलेक्ट कर ली है और मैंने अभी कुछ भी नहीं करा। ये लॉन्ग पहन ली थी और बिछिया चेंज कर रही है, मैंने नए वाले पहन लिए हैं और पुराने वाले थे ना उसके अंदर से, मतलब जो पुराने वाले थे ना वो भी नए थे लेकिन उनमें से एक बिछिया खो गया था तो एक एक डाल रखे थे मैंने। अब जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता कि एक एक पहने, दो दो डाल लिए हैं पैर में। तो बिछिया दिखाती हूँ। बिछिया है ना एक्चुअली वो वाले हैं जो भाभी ने दिए थे, अभी उस पर दिए थे। तो ये वाली बिछिया मैंने डाल ली है और बस मैं ना ये सोचने में सबसे ज्यादा दिमाग मेरा खराब होता है और खत्म होता है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, कटहल काट लेती हूँ जल्दी जल्दी से, फिर उसके बाद मैं ना देखते हैं क्या करना है। तो कटहल काटने का है ना ये रहता है कि बहुत ज्यादा चिपकता है हाथ में, तो तेल ले लीजिए इसको, जब भी काटने बैठो ना तो तेल ले लो, ये तेल से फिर चिपकना विपकना बंद हो जाता है। मैं सोच रही थी मैं मेहंदी लगाऊं, अब पता नहीं मैं मेहंदी लगा पाऊंगी या नहीं क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी तो तैयारियों में हो जाएगा। देखिए हर्षित ने बनाया है ये डायरी, साथ ही उल्टा दिख रहा है क्योंकि फ्रंट कैमरा यूज कर रही हूँ। और ये डायरी हर्षित ने बनाई है जिसमें फोन नंबर मेरे पापा के और दोस्तों के लिख रखे हैं और ये डायरी इसने पूरी खुद बनाई है। देखिए अच्छी लग रही है ना, ले हटा, ये भी आ गए नाश्ता करने। तो मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी। तो कटहल मैंने कट कर लिया था, यहाँ पे मैंने तेल डाला है, तेल के अंदर मैंने जीरा डाला है। तेल थोड़ा मैं ज़्यादा डालूंगी क्योंकि जो कटहल होता है ना वो मैं तल के नहीं बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दी है, इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और जब ये रेड कलर की हो जाएगी तब इसके अंदर मैं सारे मसाले डाल दूँगी। तो मैंने कढ़ाई वो वाली ले ली है जो मैं शिवरात्रि पर मैंने पकौड़े बनाए थे ना, तो फिर मैंने वही वाली कढ़ाई रखी हुई थी तो वही कढ़ाई यूज़ में ली है मैंने। तो यहाँ पर मैंने हल्दी डाली है, धनिया डाला है और
लाल मिर्च पाउडर डाला है। इन मसालों को अच्छे से भून लूँगी। भून लेने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी कटहल। तो कटहल को मैंने धो लिया है अच्छे से, और उसके बाद में मैं इसको निचोड़ निचोड़ के इसके अंदर डाल दूँगी। तो कटहल जो होता है काफ़ी तेल जो अब्जॉर्ब करता है, वरना नीचे से लग जाता है। या तो पानी के छींटे देके बनाओ, या फिर इस तरह से बनाओ तो अचार के जैसे बनती है और खाने में भी अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने कटहल भी डाल दिया है इसके अंदर, और सारे मसालों के साथ में इसको मिक्स कर लूँगी, और साथ में इसके अंदर डाल दूँगी नमक। तो नमक मैं अपने स्वाद के अनुसार डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। और यहाँ पर बस इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको ढक करके कुक होने दूँगी, और बीच बीच में चलाती रहूँगी उघाड़ उघाड़ के ढक्कन को। यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन रही है, तो मैं यहाँ पर आटा लगाने लग गई हूँ और जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं आज मेहंदी भी लगा लूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है, नमक ले लिया है, आटा छानने लग गई हूँ, और आटा छानने के बाद मैं बस आटा को लगा लूँगी। तो काफ़ी है तैयारी करनी है जो मुझे, क्योंकि मैंने पहले नहीं कर रखी थी। मैंने सोचा था कि कर लूँगी, कुछ मार्केट से तो लाना नहीं है, घर में ही है सब कुछ, तो मैं कर लूँगी। और इसी चक्कर में मैंने कुछ की नहीं, और आज ऐसा लग रहा है कि एक बर्डन सा लग रहा है सर के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आटा लगाने लग गई हूँ। तो अभी जो है सुबह के 11 या 11:30 हो रहे हैं, और आटा मैंने थोड़ा ज़्यादा सा लगा है ताकि मेरे को शाम को नहीं लगाना पड़े, क्योंकि मैं मेहंदी लगा लूँगी तो फिर मैं आटा नहीं लगाऊँगी। लोई का तो यह है कि मैं एक हाथ से लोई तोड़ कर की और बेल लूँगी, पानी में हाथ नहीं लगाऊँगी। जब बर्तन माजूँगी ना इकट्ठे तभी करूँगी। तो मैंने यहाँ पर जो मेरी स्लैब है उसको भी मैंने पोंछ दिया है। और यहाँ पर सब्ज़ी भी बीच बीच में चलाती रह रही हूँ ताकि नीचे से लग नहीं जाए, और देखती रह रही हूँ कि बनी है या नहीं बनी है। ऐसे ही करती हूँ, काम करते करते चेक करती रहती हूँ और दूसरे काम करती रहती हूँ। और स्लैब मैंने साफ़ कर ली है, और अब मैं आ गई हूँ बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए। और बर्तन सारे साफ़ कर लूँगी, बस एक कढ़ाई रह जाएगी जिसे मैं ऐसे ही रहने दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी जो है वो अगर गर्म करवाएंगे ये तो उसी के अंदर हो जाएगी गर्म, ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे इसलिए। और यहाँ पर आज मैंने सिर भी धोया था, क्योंकि आज संडे है ना, तो संडे को मैं सिर धोती ही हूँ, आप सबको पता ही होगा, वॉशरूम वगैरह साफ़ करके फिर धोती हूँ। लेकिन आज मैंने वॉशरूम भी साफ़ नहीं करा, जल्दबाजी में भूल गई मैं, और यहाँ पर बस मैंने सिर धो लिया था, और ये सारे बर्तन वगैरह जो है मेरे धुल गए हैं। बर्तन वगैरह सब माँज लिए हैं, अंदर से बिस्तर वगैरह उठा दिए हैं, यहाँ से हॉल की सफाई कर ली है। ये बस धुले हुए कपड़े रखे हुए हैं एक सोफे पर, इन्हें मुझे उठा के फोल्ड करके रखना है तो मैं रखूँगी, पर ये वाला काम ऐसा है कि ना चलो सोफे पर रखे हैं। मैं सब्जी देखने आ गई थी एक्चुअली, काम सारे अब मतलब हो गए ना। कच्ची अभी तो तो सब्जी थोड़ी कच्ची थी, तो मैं उसको सही करने जा रही हूँ। अंदर बच्चे पता नहीं इतना उधम करते हैं, मैं क्या करूँ, वैसे ही काम हो रहा है। और देखो शीशा तोड़ दिया, और कुछ नहीं तो बताओ, मैंने शीशा निकाला था कि शीशा लेके जाएंगे। पिटाई लगाऊं तेरी, आ जल्दी अंदर ले जा, कांच तोड़ा ना, इधर आ जल्दी, पिटाई लगेगी, जल्दी आ जल्दी आ, जल्दी आ, डर के मारे आ रहा नहीं, इधर आ जल्दी आ, देख डर के मारे आ रहा नहीं उधर कोने में से, भाग क्या जल्दी, इधर आ, खाली खाली है, तूने क्यों कांच तोड़ा ये बता, क्या जरूरत पड़ी थी कांच तोड़ने की, मारती है वो, अभी तक तो मारा नहीं, तब ये वाली बात,
बेटा जा इसको डस्टबिन में डाल के और उस थैली में डाल के ये डाल। तो यहाँ पर मेरी सब्जी जो है वो भी ऑलमोस्ट डन हो गई है, बस इसके अंदर मैं जो ऊपर से मसाले डालती हूँ वो डालूँगी। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ गरम मसाला और सब्जी का मसाला और थोड़ी सी डालूँगी खटाई, यहाँ पे मैं खटाई डाल रही हूँ ये, और साथ ही मैंने डाला है ये सब्जी का मसाला, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सब्जी ऑलमोस्ट डन है और इतनी अच्छी बनी थी सब्जी, जैसे अचार होता है ना सेम टू सेम ऐसे, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी सब्जी। कटहल की सब्जी जो होती है ना वो कई तरीक़ों से बनती है और एक ये तरीका है जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में ये सब्जी। तो काम वगैरह सारे निपटा करके, बर्तन वगैरह साफ़ करके और हर्षित की रोटी सेक करके रख दी है मैंने, और अपनी मैंने अपने तो खाना खा लिया, उसको भूख नहीं थी अभी, तो उसकी सेक करके रख दी है। और यहाँ पर मैं मेहंदी लगाने बैठ गई हूँ क्योंकि हर्षित को भूख लगेगी, तो मैं उसको एक हाथ से सेक करके गैस पर और दे दूँगी, और इसके पापा आएँगे खाना खाने के लिए 1-2 बजे तक, तब तक मेरी मेहंदी जो है वो सूख जाएगी। तो बस मैं मेहंदी लगाने बैठ गई हूँ और डिज़ाइन मैं अपने मन से ही लगा रही हूँ और काम चलाओ लगा ही लेती हूँ मेहंदी। तो उस समय के बाद में मैंने वीडियो आगे कंटिन्यू कराई नहीं, एक्चुअली मैं मेहंदी लगाने में लग गई थी, मैं आपको दिखा रही थी ना कि मैं मेहंदी लगा रही हूँ, तो ये देखिए मेहंदी, अरे ये तो रह गया, इसके अंदर मैंने कुछ भरा ही नहीं, चल छोड़। तो ये मेहंदी पूरी जो है ऐसे लगा ली है मैंने, यहाँ तक लगाई है, यहाँ तक कहाँ तक लगाई है, यहाँ तक लगाई है, दिखा दूँगी मैं, स्वेटर उतारना पड़ेगा। और इस हाथ में मैंने यहाँ पे सोन सामान ऐसी लगा ली है और पीछे थोड़ा अच्छा लगा लिया है क्योंकि पीछे का हाथ दिखता है ना, आगे का तो दिखता नहीं है। आगे मैंने ऐसे एक पताशा रख लिया है, इसे पताशा बोलते हैं। तो और बस अभी आज पूरा दिन इसी में चला गया, इस आगे की लगाई फिर पीछे की लगाई, फिर इसका सूखने का वेट किया कि साथ में लगाऊंगी, तो ये सूखी, फिर ये आए इनके लिए खाना वगैरह बनाया, फिर खाना बनाया, फिर ये खाना खा के चले गए, तो अब मैंने फिर इसमें लगाई। और उल्टे हाथ से लगाने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, मेरे से उल्टे हाथ से लगती नहीं है ना, सीधा हाथ ही चलता है मेरा। फिर उसके बाद मैं यहाँ लगाई, फिर आगे की साइड तो लगाने का बिल्कुल मन ही नहीं हुआ, तो मैंने आगे एक पताशा रख लिया कि चल अब तू यहाँ पे पताशा ही रख देती हूँ। थोड़ी सी मेहंदी बची थी तो मैंने पैर के उंगलियों के यहाँ पर थोड़ी सी मेहंदी लगा ली है, तो इस तरह से मैंने पूरी मेहंदी लगाई है और इसी में सारा दिन चला गया है। अभी बर्तन वर्तन तो यूं ही पड़े, मैंने ना बिल्कुल भी बर्तन नहीं मांजे। क्या हुआ? ब्रेड ब्रेड काहे के ले लिया आया बेटा, अपन कल चले जाएंगे, कौन खाएगा, पीछे से खराब हो जाएगी, कोई बात नहीं खा लेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे, कल मैं ब्लॉग को एंड कर ही नहीं पाई, हर्षित आ गया था उस टाइम पे, उससे बातों में लग गई और बस फिर बर्तन वगैरह साफ़ करने लग गई थी, काम में लग गई, फिर पैकिंग वगैरह करने लग गई, पैकिंग भी आप लोगों को नहीं दिखा पाई। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो अजीब सा जो भी था जगह भी बन पाया मैंने बनाया आपको पसंद आया होगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप बताइएगा कि मेरे फेस पर ये वाली लॉन्ग कैसी लग रही है, मैं ना मेरे फेस पे है ना गोल चीज़ अच्छी लगती है ये, लेकिन ऐसी लंबी चीज़ है ना कम अच्छी लगती है। मैंने शादी में ना देवर की शादी में लंबी बिंदी लगा ली थी ब्लू कलर की, तो बहुत काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि ना आपके ऊपर ये अच्छी नहीं लग रही है लॉन्ग, वो बिंदी, सॉरी लॉन्ग बोल रही हूँ, दिमाग लॉन्ग पर जा रहा है। तो आप बताइएगा कि लॉन्ग अच्छी लग रही है क्या। और मेहंदी देखिए, मेहंदी रच गई ना, आजकल की मेहंदी ऐसी ही होती है कि है ना थोड़ा सा वो, जबकि मैंने इतनी देर ही रखी है जितनी देर ना सूखे, उसके बाद मैंने बर्तन माँज लिए थे, और फिर दोबारा में भी मैंने लोगों से बातें कर रही थी उस टाइम पे मैंने हटाई थी, और फिर उसके बाद में मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे, तो रच गई ना, बस मुझे इतनी ही काफ़ी होती है, मुझे काली काली सी हो जाती है ना वो अच्छी भी नहीं लगती। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि जाने की तैयारी करनी है, 12 बजे तक निकलेंगे, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय माता दी।